गाइस हमारी माइनक्राफ्ट की 5 ऐसी सेटिंग जो वाकई में बहुत ही कमाल की है, जिससे आपको बहुत ही हेल्प आएगी माइनक्राफ्ट के अंदर। एंड वीडियो के बाद ये 5ों के 5ों सेटिंग को अप्लाई करना, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। नंबर 1, जब भी आप प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो नीचे की साइड आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक एप्लीकेशन का इंटरनल का। बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन होता है, लेकिन इसको आपको इंटरनल कर देना। एंड एप्लीकेशन रखोगे तो उससे होगा क्या, जब भी गेम को अपडेट करोगे वरना डिलीट करोगे तो आपका सारा डेटा चला जाएगा, सारा डेटा आपका गायब हो जाएगा। तो इसको इंटरनल कर देना, तो इससे होगा क्या, आपका जो भी डेटा है वो मोबाइल के अंदर सेव होगा, आपकी फाइल के अंदर, मेमोरी के अंदर सेव होगा, जिससे आपका सारा डेटा बच जाएगा। एंड एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आप इजीली कर पाओगे डेटा आपका जो भी रहता है, एंड वर्ल्ड को भी आप सेव फिर कर पाओगे कॉपी करके, जो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे सेटिंग को आप सेटिंग में जाके भी कर सकते हो, नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन कर लोगे स्टोरेज का मिलेगा, एंड ऊपर की साइड ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इधर से भी आप कर सकते हो, जो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 2, जैसे कि आपको पता है जावा एडिशन के अंदर एक किया थे जिसकी मदद से आप कोऑर्डिनेट को देख पाते हो, लेकिन मोबाइल के अंदर मिलते नहीं कोऑर्डिनेट, उसको कैसे इनेबल करना है, जो बहुत ही सिंपल सेटिंग है। तो वर्ल्ड में आना है आपको, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, एंड इधर आपको शो कोऑर्डिनेट का ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर देना। एंड इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपको कोऑर्डिनेट इधर दिखने को मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी, जो बहुत ही कमाल की सेटिंग है, जो बहुत ही यूजफुल है आपके लिए, जिससे आपके लिए माइनक्राफ्ट बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड कोऑर्डिनेट के बिना खेलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इस सेटिंग से आप इनेबल ईजिली कर सकते हो। एंड चाहो तो इस सेटिंग को आप वर्ल्ड को क्रिएट करने के बाद भी कर सकते हो। सेटिंग में जाना है आपको, सिंपली गेम सेटिंग में जाना है वर्ल्ड की, एंड नीचे जैसे स्क्रॉल डाउन करोगे इधर भी आपको इसकी सेटिंग मिल जाएगी, जो बहुत ही अच्छी बात है। नंबर 3, जैसे कि आपको पता है जावा एडिशन के अंदर यूआई बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन मोबाइल के अंदर सबसे घटिया मिलता है, देख ही सकते हो, ये किसी को पसंद ही नहीं, ये बहुत ही अजीब सा लगता है यूआई, क्योंकि आपके हार्ट भी ऊपर आते हैं। तो इसको आपको जावा एडिशन जैसा करना है वो भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आना होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, वहाँ पे आपको वीडियो सेटिंग मिलेगी, एंड वीडियो सेटिंग के नीचे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, एंड वहाँ पे आपको यूआई प्रोफाइल का मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट पॉकेट होता है, लेकिन इसको क्लासेस कर देना, एक करने के बाद आपका पूरा पीसी की तरह हो जाएगा, कोऑर्डिनेट भी साइड में शो होगी, एंड नीचे की साइड हार्ट आ गई इन्वेंटरी के नीचे, जो बहुत ही अच्छी बात है, एंड पूरा यूआई बहुत ही अच्छा होगा, जो कमाल की सेटिंग है, एंड ट्राई जरूर से करना। नंबर 4, जैसे कि आपको पता है हमारी गेम में नॉर्मल कंट्रोल्स आते हैं, ये जंप वाला, ये क्राउच होने का, एंड ये हमारा नॉर्मल है, लेकिन इसको आप एडवांस कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो करने के लिए आपको सेटिंग में आना होगा, टच सेटिंग में जाना होगा, एंड इधर की साइड आपको कंट्रोल मोड मिलेगी, लेकिन ऐसे अपडेट में आ गया, एंड आपको पुराना है तो अपडेट कर देना गेम को। एंड इधर आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, ये बहुत ही एडवांस है, इधर से आप आपके कंट्रोल चेंज कर सकते हो, ये हमारा ओरिजिनल वाला, ये जॉयस्टिक वाला, बेसिकली इसको इनेबल करने के बाद आपको एक जॉयस्टिक मिलेगा, सीरियसली बहुत ही अच्छी बात है। एंड इधर क्राउच करने का, जम का बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिलता है, एंड चाहो तो इस जॉयस्टिक को आप ऐड कर सकते हो, हटा सकते हो। तो करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग में आना होगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा, दोबारा टच में आना होगा, एंड नीचे की साइड आपको 2 ऑप्शन और मिल जाएगी, जॉयस्टिक ऑलवेज विजिबल, तो इसको आपको हटा देना है, एंड इसके बाद आपको जॉयस्टिक दिखेगा ही नहीं, सिर्फ वहाँ की थोड़ी की दिखेगी, लेकिन जॉयस्टिक गायब हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। एंड वैसे टच कंट्रोल में आपको 3 मिलते हैं, ये हमारा नॉर्मल वाला, ये जॉयस्टिक वाला, एंड जॉयस्टिक के साथ सारी की वाला। तो इसको जैसे आप इनेबल करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, इस वॉर्ड की मदद से आप सारी चीज को तोड़ पाओगे, जो स्काई वॉर रहता है बेसिकली सर्वर में, वहाँ पे आप इसका यूज कर सकते हो, जैसे आप ब्रिजिंग बहुत ही इजीली कर पाओगे। एंड मैं बिल्कुल कहूँगा इस सेटिंग को अप्लाई करना, जब भी आपको स्काई वॉर कुछ ऐसा खेलना हो तो ये इनेबल कर देना, तो बहुत ही अच्छी बात है यार, इससे आपको बहुत ही ईजी रहता है सब कुछ। नंबर 5, ये कोई सेटिंग है नहीं, ये छोटी सी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। तो इनेबल करने के लिए आपको सेटिंग में आना होगा, ग्लोबल रिसोर्सेज में जाना होगा, एंड ग्लोबल रिसोर्सेज में जाके आपको 2 पैक को डाउनलोड करना है। वैसे दोनों पैक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, बेटर बेडरॉक क्लिकर जो भी कहते हैं, एनीवेज, एंड बटन हाइडर का भी मिल जाएगा। तो बटन हाइड करने से होगा कि आपके जो भी छोटे मोटे बटन है सारे चले जाएंगे, हाइड हो जाएगा, रहेगा तो वहाँ पे लेकिन कुछ आपको दिखेगा नहीं। एंड बेटर बेडरॉक क्लिकर को भी इनेबल कर देना, एंड दूसरे वाले को इनेबल करके आप एक अच्छा सा एक्सपीरियंस ले पाओगे माइनक्राफ्ट का।
तो इसको इनेबल करने के बाद आपको थोड़े से ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो हमारी गेम में अवेलेबल है नहीं, मोबाइल के अंदर शो नहीं होते, वो सेटिंग भी इधर आपको मिल जाएंगे। तो इसका एक अच्छा सा आप यूज़ कर पाओगे, जो भी आपका वर्ल्ड रहता है बेसिकली उसके अंदर भी वो दोनों पैक को इनेबल कर देना। तो इसको इनेबल करने के बाद गाइस आप देख ही सकते हो क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं हमारी गेम में, बहुत सारे आपको ऑप्शन इधर मिल जाएंगे। एंड सीरियसली गाइस ये गेम चेंजिंग चीज़ है। एंड वैसे कोई मोड पैक है नहीं, ये टेक्सचर पैक ही है, एक बहुत ही कमाल का टेक्सचर पैक। इधर देख सकते हो आपको सारी चीज़ शो होगी, जो भी हमारी गेम में कौन सा टाइम चल रहा है, कौन सा दिन है, कितना टाइम हुआ इसको खेले हुए, एक्सपी लेवल कितना है, सारी चीज़ें इधर आपको शो हो जाएगी। एंड नॉर्थ ईस्ट भी आपको शो हो जाएगा। सीरियसली गाइस इसी तरह से आप एक स्क्रीन शॉट ले पाओगे जो बहुत ही कमाल का है, जो ज़्यादातर आपको रिलेम में देखने को मिलेगा, और रिलेम होता है ना जो भी कहते हैं उसको एनीवेज। एंड वैसे कैसे आप बताना वीडियो को कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना ऐसा ऑसम वीडियोस देखने के लिए फ्यूचर में भी। एंड डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाना, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। एंड वैसे मैं यूट्यूब पे 30 डे वीडियो डालने का चैलेंज ले रहा हूँ। एंड टाटा गाइस नेक्स्ट वीडियो, बाय 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 बाय।